अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान यूबी इलेक्शन सेल यूबीज के साथ में एक बार फिर हाजिर। नया सेगमेंट इसलिए शुरू किया क्योंकि इलेक्शन की आमद आमद है और हर तरफ इलेक्शन का एक हल्ला मचा हुआ, तो इसके रिलेट हम इंशाल्लाह इसके अंदर तमाम तरह आपको डिटेल्स देंगे कौन से हल्के में कौन है, कौन कहाँ से कितनी लीड ले रहा है, क्या मामला चल रहे हैं, क्या इलेक्शन के मामला आगे बढ़ रहे हैं और कितना किसके फेवर में जा रहा है, किसके अगेंस्ट जा रहा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई से मुतालिक। पीटीआई आपने देखा कि ये एक इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही है और ख़ासतौर पर 9 मई के वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिकल दौर में इन हो गई है। लेकिन कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ है, कमाल की इनके मामलात हैं और कमाल का यूथ का दिमाग है जो वो इस तरफ यूज़ करने में लगे हैं। रिसेंटली एक कमाल की अपडेट आई है जो मैं आपको देने लगा हूँ। हुआ यह कि जाहिर सी बात है आपने देखा जब इनको जलसों की इजाज़त नहीं है, रिसेंटली अयूबी सॉल्यूशन टीवी नेटवर्क के आप शॉर्ट्स में देखें, 3 तलवार के ऊपर इनकी रैली निकली जिसपे आंसू गैस वगैरह फेंके गए, बाकी तमाम तरह की रैलियाँ बिल्कुल सही निकल रही हैं। तो खैर ये तो एक पॉलिटिकल चीज़ क्योंकि डेफिनेटली इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो है, लेकिन अब जो रिसेंटली अपडेट देने जा रहा हूँ इन्होंने क्या किया, क्योंकि जब इनका जलसा होता है तो इलेक्शन की को कंपेन, क्योंकि अब इन्होंने अपना हथियार यूट्यूब और फेसबुक को बना लिया है तो उसकी वजह से इन्होंने बहुत बड़े पूरे पाकिस्तान को आपस में जोड़ दिया है और जोड़ने की वजह से अब जब जब इनका जलसा होता है तो पूरे का पूरा पाकिस्तान परेशान हो जाता है, इनके जलसे की वजह से पूरा नेट ही डाउन कर दिया जाता है। तो जो एक कमाल का इनका हथियार जो इन्होंने नया लॉन्च किया है वो ये है कि इनको, क्योंकि पहले इनके वोट को तोड़ने में जो इनके एक स्ट्रेटजी थी वो इनके चेयरमैन को पकड़ लिया गया, डाल दिया गया अंदर, उसके बाद इनसे इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया, इससे जाहिर बात है वोटर टूटेगा ये तो अंडरस्टूड सी चीज़ है। उसके बाद उनको तमाम तर जो इनके उम्मीदवार नामजद उम्मीदवार हैं उनको आज़ाद खड़ा किया गया और उनको जेहज का सामान बांट दिया गया जिसमें कुर्सी चम्मच चीनी का जार पानी की बोतल टेबल टेनिस का रैकेट उसके अलावा विकेट बॉल एंड बैंगन सब्जी अम्ब्रेला बाल्टी पता नहीं क्या क्या कलम दवात कंगा ब्रश पता नहीं क्या क्या बैरल वो उनको अलॉट कर दिए गए। अब उससे क्या होगा कि यूजर्स जो वोटर्स हैं वो कंफ्यूजन का शिकार होंगे कि उनके हलके के अंदर कौन सा इनका नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, क्योंकि हो सकता है दूसरे भी अपने साथ इमरान खान की तस्वीर लगा लें पीटीआई लिख लें, लेकिन जाहिर बात है जब तक उनको नॉमिनेटेड जो उनकी लिस्ट पे है वो कैसे पता लगेगा। तो इस तमाम तर चीज़ को सर जोड़ के बैठी इनकी मीडिया टीम और कमाल का काम कर दिया इन्होंने, और कमाल का ये काम किया इन्होंने इसको फेसबुक को एज ए नया हथियार लॉन्च कर दिया। आप इमरान खान, मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी दूंगा, आप फेसबुक ऑन करेंगे उसके अंदर सर्च बॉक्स में जाके इमरान खान ऑफिशियल को सर्च करेंगे, जैसे ही इमरान खान ऑफिशियल का पेज खुल जाएगा तो ऊपर मैसेज का उसके राइट साइड पे एक मैसेज का ऑप्शन है, आप मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज विंडो फेसबुक की खुल जाएगी। उस मैसेज विंडो में जस्ट आपने अपने हलके का नंबर, उसका पीपी और एनए नंबर, मिसाल के तौर पे पीपी 92 हम कर देंगे और इंटर जैसी करेंगे तो पीपी 92 के अंदर पीटीआई का जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है उसका नाम, उसका इंतखाबी निशान, उसका हलका और उसका बनाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप शो हो जाएगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप को में शामिल भी हो सकते हैं। कमाल की स्ट्रेटजी दी उठा के इतना, क्योंकि फेसबुक आज बहुत हर दूसरा बंदा फेसबुक यूज कर रहा है। मैं अगर किसी हलके में बैठा हुआ हूँ तो मैं जस्ट टाइप करूँगा NA247 और मैं इंटर करूँगा तो 247 के हलके में जो इनका नॉमिनेटेड पीटीआई का अपना कैंडिडेट है उसका नाम, उसका इंतखाबी निशान और उसका व्हाट्सएप ग्रुप शो हो जाएगा। तो कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ है, दिमाग जब इंसान एक दर बंद होता है तो 100 खुल जाते हैं, आप कितने भी दर बंद कर दिए जाएँ इनके लिए कोई ना कोई अल्लाह ताला इनके लिए रास्ता बना ही देता है और ये उस टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बना के नया हथियार इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो आए जरा डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं और फिर बात करते हैं, पहले ये वीडियो देखिएगा। ये देखें इस वक्त हम मौजूद हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, सबसे पहले सर्च बॉक्स में जाएंगे और हम लिखेंगे इमरान खान ऑफिशियल।
इमरान खान ऑफिशियल का ये पेज आ जाएगा। इस पेज में आप मैसेजेस पे जाएंगे और मैसेजेस पे जाकर अपना कोई भी हलका आप इसमें टाइप करेंगे। जिस तरह मैंने ये अभी निकाला हुआ भी है, हमारा है PP92 करके, देख लेते हैं हम। जब इसको टाइप करेंगे PP92 इंटर कर देंगे, तो जैसे ही इंटर करेंगे PP92 लिख के, तो हमारे पास आ जाएगा ये हलका है जनाब, हलका है PP92 बखर, और एडवोकेट रफ़ीक नियाज़ी यहाँ से खड़े हैं। इनका जो निशान है सिलेंडर, गैस सिलेंडर इनका निशान है, और ये इनका व्हाट्सएप ग्रुप आ गया। मतलब इसी तरह हम एक और NA का कोई देख लेते हैं, NA74 या कोई भी आपका जो है वो डाल के देख लें। हम NA74 को जैसे इंटर किया तो ये NA74 आ गया। NA74 हलका, ये सियालकोट का कोई हलका है, इसमें असलम घुमन साहब हैं जो कि जिनका बैंगन इनका इंतखाबी निशान है। ये इनका हलका नंबर NA74 हो गया और ये उनका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया। हम एक और देख लेते हैं, हम NA247 करके इंटर करेंगे, तो ये NA247 आ गया। NA247 में जो PTI का कैंडिडेट खड़ा है, उस कैंडिडेट का कराची सेंट्रल है, कैंडिडेट का नाम है अब्बास हुसैन, और घड़ियाल इनका जो है क्लॉक यानी इनका इंतखाबी निशान है, और ये इनका व्हाट्सएप का ग्रुप है। ये बेसिकली एक न्यू अपडेट है जो PTI की जानिब से इनके ऑफिशियल ग्रुप पे जो है वो शेयर की गई है। इनके तकरीबन 14 मिलियन, नियर अबाउट 2.5 करोड़ गालबन, हाँ 2-3 करोड़ इनके फॉलोअर्स हैं, और ये इनका ऑफिशियल पेज है। और इसी तरह ये आप इस पे मैसेज पे जाएंगे और जाके अपने हलके को PP या NA जो भी है उसको टाइप करेंगे, और आपको वहाँ के हलके पे में मौजूद PTI का कैंडिडेट, वो किसी भी आज़ाद उसमें खड़ा है और उसका जो भी इंतखाबी निशान है और उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक लेटेस्ट इलेक्शन से रिलेट इन लोगों की एक कंपेन है। तो देखा आपने कि एक अलग सी चीज़ उन्होंने बना दी, कि मतलब इतना डिटेल कर दिया, इतना चीज़ों को फैला दिया और इतना आसान कर दिया पहले, क्योंकि डेफिनेटली अब एक चीज़ है, पहले उनके चेयरमैन को बंद किया गया, फिर उनसे उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया, फिर सारों को आज़ाद उम्मीदवार बना के मुख्तलिफ उसके इंतखाबात के निशान दे दिए गए, किसी को आलू, किसी को बैंगन, किसी को चमचा, किसी को कांटा, किसी को घड़ियाल, किसी को विकेट, किसी को टेबल टेनिस रैकेट, किसी को किसी को विकेट, तो मतलब बांट दिया गया किसी तरह भी के मामलात में नीचे चले जाएं। लेकिन इन लोगों ने उसका तोड़ ये निकाला। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह इलेक्शन सेल में हम आपके लिए और मज़ीद अपडेट लेके आते रहेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन खड़ा है और कांटेदार मुकाबला किसका किसके साथ है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।